हेलो स्टूडेंट्स हमने लास्ट वीडियो से डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था और स्पेशली हमने फोकस किया था डी ब्लॉक एलिमेंट्स पर और आपने ये पढ़ा कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं कौन से एलिमेंट्स हैं जिन्हें हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं जिनमें कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स था डी ऑर्बिटल ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन इन दीज एलिमेंट्स मीन्स डी एंड एफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स लास्ट इलेक्ट्रॉन एंट्रस डी ऑर्बिटल ऑफ लास्ट बट वन शेल मींस जो लास्ट से पहले वाली शेल है लास्ट से लास्ट शेल से अंदर वाली शेल है उसके डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स जब फिल्ड होते हैं एक एक करके फिलिंग उनकी होती है तो ऐसे एलिमेंट्स को डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं आप इसमें देखोगे कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ये आ, इनके अनपेड इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी रहते हैं अनपेड इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि डी जो है डी ऑर्बिटल्स कितने हैं नंबर में डी सबशेल कंटेन फाइव ऑर्बिटल्स फाइव डी ऑर्बिटल्स है ना पांच ऑर्बिटल्स होते हैं जिन जो डी जनरेट स्टेट में हम उनको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ये फाइव डी ऑर्बिटल्स हैं ये थ्री डी भी हो सकता है फोर डी भी हो सकता है फाइव डी भी हो सकता है बट ईच डी सबशेल हैज़ फाइव डी ऑर्बिटल्स है ना और इनमें अगर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अनपेयर्ड हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के कारण ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स काफ़ी सारी सरप्राइजिंग प्रॉपर्टीज शो करते हैं जैसा कि उनके जो आयंस हैं वो कलर्ड होते हैं कलर्ड आयंस हैं इनके और ये कैटलिटिक प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं मोस्टली जो कैटलिस्ट आप देखोगे वो डी ब्लोक एलिमेंट्स ही होंगे दे शो कैटेलिटिक प्रॉपर्टीज़ इसके अलावा पैरामैग्नेटिक नेचर है इनका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है डी ब्लॉक एलिमेंट्स का और इसके साथ साथ ये कम्प्लेक्स फॉर्मेशन भी शो करते हैं दे पार्टिसिपेट इन कम्प्लेक्स फॉर्मेशन जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या फिर कम्प्लेक्स कंपाउंड्स जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स मेनली बनाते हैं और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी ये एलिमेंट्स शो करते हैं ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो डी ब्रोक एलिमेंट्स एग्जिबिट करते हैं और इनके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे और जो मेन रीज़न है इनका मेन रीज़न ये है कि इनके जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो अनपेयर्ड रहते हैं मोस्टली इसीलिए ये ये सभी प्रॉपर्टी शो करते हैं आप ये भी सोच सकते हो इससे ये भी समझ सकते हो कि जिन डी ब्लूक एलिमेंट्स में डी ऑर्बिटल्स पार्टली फिल्ड होंगे वो ये सभी प्रॉपर्टी शो करेंगे वन और अनदर और वो मोर प्रॉपर्टीज विल बी शोन बाय दोज डी ब्लॉक एलिमेंट्स विच हैव पार्टली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स ओके तो इनमें हमने ये भी पढ़ा था कि जो आ, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन वो है एन माइनस वन डी वन टू टेन एंड एन एस वन टू टू हमने ये देखा था कि ये इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन है लेकिन हमने ये भी पढ़ा कि जो जिंक कैडमियम और मरकरी जिनकी ग्राउंड स्टेट और मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों में से किसी में भी इनके डी ब्लॉक जो है वो अनफिल्ड नहीं है यानी कि पार्टली फिल्ड नहीं है या हम कहें कि कम्प्लीटली फिल्ड है इनके डी ऑर्बिटल्स कम्प्लीटली फिल्ड हैं इसलिए इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कंसीडर नहीं करते हैं क्योंकि इनकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है वो है एन माइनस वन डी टेन एन एस टू ये तो है इनकी ग्राउंड स्टेट में और जो इनकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है मींस अगर ये मैं मेटल से मेटल को रही करी जिंक कैडमियम और मर्करी को एम से तो जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है टू पोस्ट ऑक्सीशन स्टेट उनमें इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन है एन माइनस वन डी टेन एन एस ज़ीरो ओके इन दोनों में से किसी में भी इनके डी ऑर्बिटल्स पार्टली फिल्ड नहीं है सो दे कांट बी कंसीडर्ड ट्रांजिशन मेटल्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्योंकि मेटल्स तो हैं ये लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स हम इनको नहीं कहते बट क्योंकि ये बाकी डी ऑर्बिटल्स के साथ एग्जिस्ट करते हैं उनके साथ ही सीरीज में हैं एंड में आते हैं इसलिए हम इनको इनकी स्टडी ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साथ ही करते हैं या हम कहें कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ ही करते हैं अब हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप इनकी समझ चुके हो इसके बाद जो नेक्स्ट है वो हम इनकी करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डी ब्लॉक एलिमेंट्स की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और उसमें भी सबसे पहले हम करेंगे देखेंगे कि इनके ये कौन कौन सी प्रॉपर्टीज शो करते हैं जो जनरल फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ बाकी सभी मेटल्स शो करते हैं क्या वो सभी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स या फिर हम कहेंगी ट्रांजिशन मेटल्स हम इनको नाम क्या दे रहे हैं हमने इन्हें कॉमन नेम दिया ट्रांजिशन मेटल्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं ट्रांजिशन मेटल्स भी कहते हैं तो क्योंकि हम इन्हें मेटल्स कह रहे हैं तो क्या ये सभी प्रॉपर्टीज मेटल वाली शो करते हैं यस yes, ये काफ़ी सारी मेटल्स वाली प्रॉपर्टी शो करते हैं जैसे कि डक्टिलिटी ये भी सभी डक्टाइल है मेलिएबलिटी मेलेबल भी है ये इसके अलावा ये शाइनी भी है इनकी जो कंडक्टेंस है कंडक्टिविटी है थर्मल एज़ वेल एज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इनकी हाई है जो जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं मेटल्स की वो सभी प्रॉपर्टीज़ ये शो करते हैं हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है ओके okay, ये सभी प्रॉपर्टीज ये शो करते हैं तो ये तो एक जनरल है इनके बारे में फिजिकल प्रॉपर्टीज डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर डक्टाइल दे आर मेलेबल दे आर शाइनी लाइक मेटल्स दे हैव हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और इसके अलावा दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ ये सभी जो कॉमन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं मेटल्स की ट्रांजिशन मेटल्स भी इन प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं दे ऑल्सो एग्जिबिट दीज ओल प्रॉपर्टीज एज़ एग्जिबिटेड बाय अदर मेटल्स जैसे कि हमारी एल्कली मेटल्स या एल्कल अर्थ मेटल्स हैं उनकी फ़िजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वैसे ही ये भी उन प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं एक आपको ध्यान रखना है कि जो आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मैंने आपको स्पेशली बताया पूरा एक्सप्लेन किया कि इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है तो उसका रीज़न ये था वो बताने का क्योंकि उसके बेस पर क्वेश्चन आते हैं और जैसा अभी मैंने आपको बताया दोबारा से रिपीट हमने किया था कि जिंक कैडिमम और मरकरी आर नॉट कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स तो उसके बेस पर भी क्वेश्चन आ जाता है कि आप कैसे कह सकते हो कि कोई भी एक एलिमेंट आपको दिया हो सकता है जैसे कि आपको दे दिया कि जो क्रोमियम है क्रोमियम तो एक ट्रांजिशन एलिमेंट है लेकिन जिंक नहीं है या कैडमियम नहीं है या मर्करी नहीं है तो आप ऐसा कैसे कह सकते हो इस टाइप का क्वेश्चन आपका आ सकता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको स्टार्ट करवा दिया बट जो आपकी एन की बुक में क्वेश्चन दिए होते हैं बीच बीच में ठीक है एग्जाम्पल्स दिए हुए होते हैं वो भी मैं साथ में लेकर चल रही हूँ तो एक एग्ज़ाम्पल आपकी एन की बुक में ये दिया हुआ है कि स्कैंडियम uh, जो है जिसका एटॉमिक नंबर ट्वेंटी वन है वो एक ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है स्कैंडियम को एटॉमिक नंबर ट्वेंटी इज कंसीडर्ड एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट बट जिंक विद एटॉमिक नंबर थर्टी इज नोट वाई आपको ये एक्सप्लेन करना है तो आप जानते हैं इसका आपको क्या बताना है आपको इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन बतानी है स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन है इसकी जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन है मैं वही लिखूँगी थ्री डी वन फोर एस टू ये इसकी ग्राउंड स्टेट में है स्कैंडियम की और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है टू पॉजिटिव में अगर मैं लिखती हूँ तो उसमें है थ्री डी वन फोर एस ज़ीरो ठीक है तो इसका डी ऑर्बिटल जो है ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं डी ऑर्बिटल या क्योंकि थ्री डी है ये थ्री डी औरबिटल पार्टली फील्ड ये आप ब्रैकेट में लिख दो आपको ज़्यादा सेंटेंस में लिखने की ज़रूरत नहीं है अगर आप सिंपल ऐसे भी लिख दोगे तो भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे स्कैंडियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन इन ग्राउंड स्टेट फिर आप लिखोगे स्कैंडियम टू पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ये हम लिख दी फिर आप, दोगे, 3D फिर आप लिखोगे थ्री डी ऑर्बिटल पार्टली फील्ड इन बोथ कंडीशंस दोनों ही कंडीशंस में मतलब कि मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में भी और ग्राउंड स्टेट में भी फिर आप लिखोगे जिंक बट फॉर जिंक जिंक के लिए आप लिखोगे थ्री डी टेन फोर एस टू इन ग्राउंड स्टेट सिमिलरली आप इसका भी बताओगे एन जिंक टू थ्री डी टेन फोर एस जीरो तो यहां पर आप लिखोगे थ्री डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड इन बोथ कंडीशंस आपको क्लैरिटी होनी चाहिए जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है अगर आपको क्लियर समझ आ जाता है क्वेश्चन तो आपके लिए एक्सप्लेन करना उसको मुश्किल नहीं है ठीक है तो इसके बाद आपने लिखना है दस जिंक इज नोट फुलफिलिंग यहां लिखेंगे हम एज जिंक इज नॉट फुलफिलिंग द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर बींग ट्रांजिशन एलिमेंट या सिंपली आप ले सकते हो दस से ले सकते हो इसको दस जिंक इज नॉट फुलफिलिंग द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर बीइंग अ ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब आपने बता दिया कि इसलिए जिंक जो है वो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है फुलफिल नहीं करता है जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट होने के लिए उसके पास होनी चाहिए बस यही एक आंसर है सिंपल साइज़ का एक और क्वेश्चन आपका है कि सिल्वर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है वो है कि सिल्वर हैज़ कंप्लीटली फिल्ड सिल्वर हैज़ कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स इसके लिए आपको जैसे कि बुक में तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एटॉमिक नंबर नहीं दिया हुआ है बट मोस्टली वैसे दिए हुए आते हैं इनके एटॉमिक नंबर्स तो आप इसका एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए इसलिए फोर डी टेन है कम्प्लीटली फील्ड डिओर्बिटल है यानी कि फोर डी टेन है इसकी ग्राउंड स्टेट में तो हाउ इट इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट क्योंकि जैसे अभी आपने हमने ऊपर वाला क्वेश्चन देखा ना कि जो जिंक है जिंक के जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है क्योंकि उसका ऑर्बिटल कम्पलीटली फिल्ड है तो सिल्वर जो है उसका भी कम्प्लीटली फिल्ड है फोर डी ऑर्बिटल लेकिन फिर भी हम उसको ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कह रहे हैं तो आपको इसको बताना पड़ेगा कि ये हम इसे क्यों कह रहे हैं तो उसके लिए आपको इसका सिल्वर का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए जो कि है फोर्टी सेवन तो अगर आप इसकी ग्राउंड स्टेट में तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है सिल्वर की फोर डी टेन फाइव एस वन ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ग्राउंड स्टेट में ओके okay? बट जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है जैसे कि सिल्वर टू पॉजिटिव, इसमें ये हो जाएगा फोर डी नाइन फाइव एस ज़ीरो तो यहाँ पर आप लिखोगे डी ऑर्बिटल इज़ नोट कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड नहीं है सो इट इज़ अ ट्रांजिशन एलिमेंट तो इसलिए ये एक ट्रांजिशन है तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपको इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी होगी ठीक है तो आपको इस तरह से क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं तो अब हम वापस इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं ब्लॉक एलिमेंट्स की तो हमने पढ़ा कि ये डक्टाइल है मेलेबल है, शाइनी है इसके अलावा शाइनी मीन्स मेटेली क्लस्टर शो करते हैं ये थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी ये एग्जिबिट करते हैं और टेंसाइल स्ट्रेंथ भी इनकी काफ़ी ज़्यादा है इसके अलावा जैसे कि बाकी मेटल्स होती हैं ये भी काफ़ी हार्ड हैं और अब हम करेंगे इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट स्पेशली तो जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हैं अब पहले हम मेल्टिंग पॉइंट्स के बारे में करते हैं मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स डी ब्लॉक एलिमेंट्स के मेल्टिंग पॉइंट्स इनके मेल्टिंग पॉइंट्स जो हैं काफ़ी हाई होते हैं जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट भी एज वेल एज बॉइलिंग पॉइंट भी काफ़ी हाई होते हैं उसका रीज़न क्या है आ, मेल्टिंग पॉइंट्स जो हैं मेल्टिंग पॉइंट मीन्स द टेम्परेचर एक सिंपल जो हम इसकी डेफिनेशन देते हैं मेल्टिंग पॉइंट की जिस पर कि कोई सोलिड मेल्ट होता है ओके okay, जब आप सोलिड को मेल्ट कर रहे हो तो आप सोलिड के पार्टिकल्स को जो कि टाइटली बिल्कुल uh, फिट हैं एक दूसरे के साथ आप उनको उनके बीच में गैप ला रहे हो उनको लिक्विड स्टेट में लेकर ले जा रहे हो हम सिंपली यही समझते हैं अब तक हम यही समझते आ रहे हैं कि मेल्ट का मतलब क्या होता है मेल्ट करने का मतलब क्या होता है कि सोलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में लेकर जाना ओके okay? उनके बीच में जो अगर किसी भी तरह की अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच में उसको कम कर देना उसको कम करके इस स्टेट में ले आना ये है मेल्टिंग ओके सिंपल सी ये बात है जो हम अब तक करते आ रहे हैं मेल्टिंग के बारे में तो इनके मेल्टिंग पॉइंट्स हाई क्यों है इसका मतलब ये है कि जो इनके पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन है वो अट्रैक्शन काफ़ी हाई है अट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रोंग है स्ट्रोंग अट्रैक्शन होगी तो उसको आपको अलग करने के लिए आपको टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा ज़्यादा हीट करना पड़ेगा इसका मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा हाई टेम्परेचर पर जाकर ये एलिमेंट्स मेल्ट होकर लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होंगे बिकॉज ऑफ हाई अट्रैक्शन बिटवीन दिस पार्टिकल्स uh, तो इनके बीच की हाई अट्रैक्शन के स्ट्रोंग एट्रैक्शन का रीज़न क्या है वो रीज़न है इनकी स्ट्रोंग मेटेलिक बोंडिंग स्ट्रोंग मेटेलिक बोंड्स या हम कह सकते हैं स्ट्रोंग इंटर एटम्स के बीच में जो मेटेलिक बोंड है वो काफ़ी स्ट्रोंग है और उसका फिर हमें उसका भी रीज़न एक्सप्लेन करना है कि ठीक है ये मेटल्स है मेटल्स के बीच में जो अट्रैक्शन है यानी कि मेटेलिक बोंड है इंटरअटोमिक मेटेलिक बोंड वो भी स्ट्रोंग है बट उसका क्या रीज़न है उसका रीज़न ये है पार्टली फील्ड डी ऑर्बिटल्स पार्टली फील्ड डी ऑर्बिटल्स जो डी ऑर्बिटल्स हैं इसमें जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे डी ऑर्बिटल्स में जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही जो डी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डीलोकलाइज होंगे हमें पता है कि जो मेटल्स होती हैं मेटल्स में फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एग्ज़ाम्पल के लिए ले रही हूँ आयरन ये आयरन के पार्टिकल्स हैं ध्यान से आप इसको समझना आयरन के पार्टिकल्स हैं जो कि एक दूसरे के साथ काफ़ी एकदम एडसेंट हैं बिल्कुल गैप नहीं है इनके बीच में इनके ये जो पार्टिकल्स हैं मेटेलिक क्रिस्टल में क्या होता है मेटेलिक क्रिस्टल में ये होता है कि जो उनके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन वो फ्री होते हैं मूवमेंट के लिए और वो जो है सभी पार्टिकल सभी आ, एटम्स के चारों तरफ घूमते रहते हैं फ्रीली ऐसा लगता है कि एक सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और उसमें ये जो एटम्स हैं वो रखे हुए हैं अगर इनके पास डी ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं एक इलेक्ट्रॉन है दो इलेक्ट्रॉन है तीन है चार हैं फिर पाँच है अगर ये इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं तो जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स डी उन उतने ही ज़्यादा इनके पास डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन होंगे और जितने डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही इनके बीच में एटम्स के बीच में अट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रोंग होंगी मतलब कि स्ट्रोंग मेटेलिक बॉन्ड होंगे और उस केस में इनको मेल्ट करना मेल्ट करने के लिए टेम्परेचर हमें ज़्यादा चाहिए होगा आप समझ रहे हैं एक बार मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ इसको कि जब भी हम किसी सब्सटेंस uh, को सोलिड को मेल्ट करते हैं तो हम उनके पार्टिकल्स के बीच के अट्रैक्शन को कम कर रहे हैं मेनली तो अगर हमें उसको uh, उनके बीच में पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रोंग अट्रैक्शन है तो हमें ज़्यादा टेम्परेचर पे उसको हीट करना पड़ेगा मींस उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाएगा तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट्स काफ़ी हाई हैं तो उससे सीधा सा हमें आंसर मिल जाता है कि क्या कारण हो सकता है उसका उसका रीज़न हो सकता है कि उनके जो इंटर एटोमिक मेटेलिक बोंन्ड है एटम्स के बीच में जो मेटेलिक बोंड है वो काफ़ी स्ट्रोंग है और उन स्ट्रोंग बॉन्डिंग का रीज़न क्या है स्ट्रोंग बॉन्डिंग का रीज़न ये है कि जो डी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डीलोकलाइज है जैसे जैसे डी इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ता है अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स का नंबर एज अ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजिस डी इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस एंड दस मेटेलिक बोंड बिकम्स मोर स्ट्रोंगर और जितना स्ट्रोंग मेटेलिक बोंड होगा उतना ही हाई उनके मेल्टिंग पॉइंट्स होंगे आपको ये समझना है तो आप इसको सिम्पली नोट कर सकते हो जैसे मैं लिख रही हूँ एज द नंबर ऑफ आप इसको साथ साथ नोट कर सकते हो एज द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन d subshell increases it means number of delocalized electrons is also increasing leading to और जो नंबर ऑफ डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं दैट लीडिंग लीड टू स्ट्रोंग इंटर एटोमिक मेटेलिक बॉन्ड एंड हेंस मेल्टिंग पॉइंट also go on increasing till the mid of series mid of आप इसको लिखें ट्रांजिशन सीरीज थ्री डी सीरीज या फोर डी सीरीज या फाइव डी सीरीज़ इसके बाद क्या होता है आफ्टर दैट मिडल पॉइंट आने के बाद आफ्टर दैट एज पेयरिंग स्टार्ट्स पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है जब फाइव इलेक्ट्रॉन्स थे एक इलेक्ट्रॉन था दो इलेक्ट्रॉन थे तीन थे चार थे पांच थे जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो यहाँ पर आपने देखा एक एक करके जैसे से आप सीरीज में आगे मूव करोगे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होता जाएगा अप टू फाइव ओके okay, उसके बाद जब नेक्स्ट एलिमेंट पर आप जाओगे तो उसके पास एक और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी जैसे कि मैंगनीज़ है मैंगनीज में डी फाइव है थ्री डी फाइव मैंगनीज़ के बाद आप नेक्स्ट एलिमेंट पर जाते हो तो उसके पास थ्री डी सिक्स है तो यहाँ पर पेयरिंग हो गई तो कितने हो गए अनपेड इलेक्ट्रॉन्स फोर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स अब कितने हो गए फोर जब अनपेड इलेक्ट्रॉन्स फोर हो गए यानी कि जब पेयरिंग स्टार्ट होती है आफ्टर दैट एज पेयरिंग स्टार्ट्स द मेल्टिंग point also स्टार्ट डिक्रीजिंग तो जब अनपेड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इंक्रीज हो रहा था तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो रहा था जब पेयरिंग स्टार्ट हुई तो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो गया पहले फोर फिर थ्री फिर टू फिर वन और फिर जिंक पर जाकर जीरो तो मेल्टिंग पॉइंट भी डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा तो आप इसको ये ग्राफ है हमारे पास इस ग्राफ से समझ सकते हैं आप देखिए ये ग्राफ, ग्राफ है इसका इस ग्राफ में ये थ्री डी सीरीज़ के लिए है ये थ्री डी सीरीज़ है आप देख रहे हो इसमें स्कैंडियम नहीं दिया हुआ है स्टार्टिंग का तो पहले ये ना इंक्रीज़ हो रहा है मेल्टिंग पॉइंट टाइटेनियम से वेनेडियम पर इंक्रीज़ हुआ वेनेडियम से क्रोमियम पर इंक्रीज़ हुआ लेकिन क्रोमियम से मैंगनीनीज़ पर इंक्रीज़ होना चाहिए था क्रोमियम से मैंगनीज़ की तरफ हम जा रहे हैं तो यहाँ पर मैंगनीज़ होना चाहिए था पीक पर और उसके बाद कम हो रहा है ना पेयरिंग स्टार्ट हो गई आयरन पर फोर डी इलेक्ट्रॉन्स रह गए अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने रह गए फोर रह गए उसके बाद को कोबाल्ट पर थ्री रह गए ठीक है तो पीक पर क्या होना चाहिए था मैगनीज़ होना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं है मैंगनीज पर जो ये ग्राफ ऊपर जा रहा था ये एकदम से डिप कर जाता है नीचे की तरफ आ जाता है ठीक है ऐसा ही अगर आप फोर डी सीरीज़ में देखेंगे फोर डी में भी पहले मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज़ होता है एज द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस बट एट टेक्नीशियम इट डिप्स डाउन ये डिप हो जाता है ग्राफ टेक्नीशियम से रुबीडियम का जाता है लेकिन उसके बाद तो लगातार डिक्रीज़ हो रहा है आप देखो दोनों ही तीनों ही सीरीज़ में चाहे वो थ्री डी सीरीज़ है चाहे वो फोर डी सीरीज़ है या फाइव डी सीरीज़ है मिड के पॉइंट अगर मिड पॉइंट के बाद अगर अब मैं इन दोनों को छोड़ दूँ सिर्फ मिड पॉइंट के बाद मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो रहा है और इसका रीज़न यही है कि अनपेड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर डिक्रीज हो रहा है मेटेलिक बोन्स उतने स्ट्रोंग अब नहीं है धीरे धीरे उनकी स्ट्रेंथ भी कम हो रही है विद डिक्रीज इन डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स नंबर सो मेल्टिंग पॉइंट गो ऑन डिक्रीजिंग ठीक है तो अब यहाँ पर बात आती है कि मैग मैंगनीज मेंग, और टेक्नीशियम इन पर जो है ये डिप क्यों कर गया नीचे नीचे क्यों चला गया जो ग्राफ है मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कम क्यों हो गया और उसका रीज़न ये है उसका रीज़न ये है कि जो मैंगनीज है इसमें थ्री डी ऑर्बिटल मैंगनीज और टेक्नीशियम का भी आप समझ लेना उसमें फोर डी ऑर्बिटल है एग्जैक्टली हाफ फील्ड है ना एग्जैक्टली हाफ फील्ड है ये जिसके कारण इट हैज़ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होने के कारण द इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंड मोर स्ट्रोंगली टू न्यूक्लियस अभी न्यूक्लियस के साथ ज़्यादा अटैच्ड हो गए हैं ज़्यादा स्ट्रोंगली अटैच हो गए हैं जिसके कारण ये इनकी डी लोकलाइजेशन कम हो जाती है डी लोकलाइजेशन जो इनकी फ्रीली मूवमेंट थी ना फ्री मूवमेंट थी देअर डीलोकलाइजेशन डिक्रीजिज डीलोकलाइजेशन De डिक्रीज होने से मेटालिक बोन्ड जो है वीकन्स मेटालिक बोन्ड थोड़ा वीक हो गया और इसलिए मेल्टिंग पॉइंट डिप हो गया इसका ठीक है आपको समझ आ गया होगा ये कि यहाँ पर थ्री डी और फोर डी मैंगनीज में थ्री डी ऑर्बिटल है जो कि कम एग्जैक्टली हाफ फिल्ड हो जाता है थ्री डी फाइव है ठीक है और टेक्नीशियम में फोर डी फाइव है ठीक है तो लेकिन टंगस्टन पर क्यों नहीं है ऐसा टंगस्टन पर ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि जो टंगस्टन है इसमें इसका जो फाइव डी है फाइव डी इसका फाइव डी फाइव ओके यहाँ पर फोर एफ़ में भी इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग स्टार्ट हो जाती है जो एफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं आपको पता है कि उनकी शील्डिंग बहुत पुअर होती है वो इलेक्ट्रॉन्स को आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियर चार्ज से उतना शील्ड नहीं कर पाते हैं उतना नहीं बचा पाते हैं जिसके कारण कि जो आउटर मोस्ट डी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस करते हैं न्यूक्लियस से अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करते हैं जिससे साइज़ काफ़ी श्रिंक हो जाता है जो एटॉमिक साइज़ होता है एटम का एलिमेंट का वो काफ़ी श्रिंक हो जाता है साइज़ के श्रिंक होने से क्या होगा कि साइज़ तो वैसे ही छोटा है इन सब में साइज़ इन सब में अभी जो थ्री डी सीरीज़ है या फोर डी सीरीज़ है इनमें भी साइज़ पुअर शील्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स के कारण इनका साइज कम होता है ड्यू टू ग्रेटर न्यूक्लियर अट्रैक्शन लेकिन जब हम टंगस्टन की बात कर रहे हैं टंगस्टन में फ़ोर एफ़ इलेक्ट्रॉन्स भी आ गए फोर एफ़ इलेक्ट्रॉन्स का या हम कहें कि सिर्फ एफ़ इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग और भी बेकार है बिल्कुल सबसे कम शील्डिंग करते हैं वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस के चार्ज से न्यूक्लियस की अट्रैक्शन से बिल्कुल कम बचाते हैं वो जिसके कारण न्यूक्लियस की अट्रैक्शन आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स पर इलेक्ट्रॉन्स पर बहुत ज़्यादा लगती है उससे साइज काफ़ी छोटा हो जाएगा और अगर एटॉमिक साइज़ काफ़ी कम हो गया एटॉमिक साइज़ जो है उसमें मच डिक्रीज़ आ गया मच डिक्रीज़ काफ़ी कम डिक्रीज़ हो गया बट एटॉमिक मास तो बढ़ रहा है आप जानते हैं कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज़ भी बढ़ेगा सॉरी एटॉमिक मास भी बढ़ेगा और एटॉमिक मास बढ़ेगा तो आप जानते हैं एटॉमिक साइज़ कम होने का मतलब है कि जो वॉल्यूम है वॉल्यूम भी कम हो गया ओके मास इंक्रीज बट वॉल्यूम डिक्रीज जिसके कारण डेंसिटी क्या हो जाएगी डेंसिटी विच इज़ इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम इट ऑल्सो इंक्रीजेस डेंसिटी इंक्रीज होने का मतलब है कि जो पार्टिकल्स हैं और भी ज़्यादा नज़दीक आ गए जिसके कारण की बॉन्डिंग और भी स्ट्रोंग हो गई जितनी होनी चाहिए थी उससे ज़्यादा स्ट्रोंग हो गई और उसके कारण जो मेल्टिंग पॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा सो टंगस्टन चाहे टंगस्टन में भी डी ऑर्बिटल्स जो है डी ऑर्बिटल फाइव डी ऑर्बिटल एग्जैक्टली हाफ फील्ड है ओके और एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके पास भी लेकिन यहाँ पर एफ़ इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग के कारण एटॉमिक साइज़ काफ़ी ज़्यादा श्रिंक हो जाता है काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है जिससे डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है और डेंसिटी इंक्रीज करने से पार्टिकल्स ज़्यादा नज़दीक आ जाते हैं और और उसके कारण मेटेलिक बॉन्डिंग और स्ट्रोंग होने के कारण जैसे कि मैंगनीज और टेक्नीशियम एक डिप शो करते हैं मेल्टिंग पॉइंट में उनका मेल्टिंग पॉइंट कम है बाकी के कम्पेरिजन में लेकिन टंगस्टन में ऐसा नहीं होता है उसका इंक्रीज ही होता है और वो फाइव डी सीरीज में सबसे ज़्यादा उसका मेल्टिंग uh, पॉइंट है और एक्चुअली आपको ये पता होना चाहिए कि जो टंगस्टन है टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है आफ्टर कार्बन कार्बन के बाद टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट है टंगस्टन से ज़्यादा सिर्फ कार्बन है जिसका कि मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन के से पहले सिर्फ कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है उस और किसी का मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन से ज़्यादा नहीं है और आप जानते हैं कि टंगस्टन को आ, किस लिए यूज़ किया जाता है बल्ब्स में इलेक्ट्रिक बल्ब्स में आ, फिलामेंट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है बिकॉज ऑफ इट्स हाई मेल्टिंग पॉइंट है ना इसलिए फिलामेंट इसका बत, बनाया जाता है इसके बाद ये हमने किया मेल्टिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट के बाद जो नेक्स्ट है दैट इज़ बोइिंग पॉइंट बोइलिंग पॉइंट या फिर हम इसको कह सकते हैं यहाँ पर हम एंथालपी ऑफ एटमाइजेशन एटमाइजेशन मीन्स हमने जो पार्टिकल्स है ना उनको बिल्कुल सेपरेट कर देना है जब हम बॉयल करते हैं किसी भी सब्सटेंस को तो पार्टिकल्स जो हैं वो गैसेस स्टेट में चले जाते हैं गैसेस स्टेट में पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है मींस उनमें अट्रैक्शन नेग्लिजिबल हो जाती है तो हम उनको एक तरह से एटम्स को सेपरेट सेपरेट कर रहे हैं तो उसमें जो एंथलपी चेंज है दैट इज़ एंथालपी ऑफ एटमाइजेशन तो बॉइलिंग पॉइंट या हम इसको ज़्यादा सही अगर हम कहें तो एंथालपी ऑफ एंथालपी की टर्म्स में अगर हम कहें तो एंथालपी ऑफ एटोमाइजेशन तो इनके लिए भी आप सिमिलर टाइप के ग्राफ देखोगे यह है ट्रेंड इन एंथालपी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स ठीक है यहां पर भी सिमिलर टाइप का और सेम रीजन है आपको ध्यान रखना है कि जो रीजन हमने मेल्टिंग पॉइंट के लिए किए हैं वही रीजन यहां पर भी हैं यहां पर भी फॉलो हो रहे हैं वो रीजन और दोनों में ही अगर आप देखोगे चाहे आप मेल्टिंग पॉइंट के ग्राफ में देखो चाहे आप बोलिंग पॉइंट के ग्राफ में देखो या इंथल्पी ऑफ एटमाइजेशन के ग्राफ में देखो कि जो इनके बोलिंग पॉइंट हैं वो फाइव डी सीरीज़ के जो एलिमेंट्स हैं फाइव डी सीरीज़ के एलिमेंट्स के बोलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा हैं इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे मास इंक्रीज होता है क्योंकि फो थ्री डी सीरीज़ है उसके एलिमेंट से अगर हम थ्री डी सीरीज़ ये हमने लिखा थ्री डी फोर डी एंड फाइव डी अगर मैं एक ही ग्रुप में आने वाले एलिमेंट्स की बात कर रही हूँ ठीक है मान लो मैं इस ग्रुप के एलिमेंट्स की बात कर रही हूँ तो यहाँ पर जो एलिमेंट है उससे इसका मास ज़्यादा होगा और इसका मास और भी ज़्यादा होगा तो जैसे हम थ्री डी से फाइव डी सीरीज़ की तरफ जाते हैं तो क्या होता है कि जो मास है वो इंक्रीज़ होता है और मास इंक्रीज़ है तो हम यहाँ पर इंक्रीज़ इन मास की भी बात नहीं करेंगे हम यहाँ पर सिंपली बात करेंगे कि क्यों इंक्रीज़ हो रहा है वो जो थ्री डी से फाइव डी की तरफ जाते हुए एंथलपी ऑफ एटमाइजेशन क्यों इनक्रीज़ हो गई उसका रीज़न यहाँ पर तो रीज़न एक एफ़ ऑर्बिटल्स का भी आ जाता है एफ़ इलेक्ट्रॉन का जो मैंने अभी आपको शील्डिंग इफेक्ट के बारे में बताया पुअर शील्डिंग ऑफ एफ़ इलेक्ट्रॉन्स ओके यहाँ तो एक रीज़न वो भी आ गया लेकिन जब आप फोर डी सीरीज़ में जाते हो यहाँ पर भी एफ़ ऑर्बिटल्स हैं बट उनमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं फ़ोर डी के बाद फोर एफ़ भी होता है ना फोर डी के बाद हम कह रहे हैं कि फ़ोर एफ़ कहाँ से आ गए जब इलेक्ट्रॉन फोर डी में ही जा रहे हैं फोर डी से पहले फ़ाइव एस में भी तो चले गए हैं ना इलेक्ट्रॉन्स तो फोर एफ़ तो अपने आप से आ ही गया जब फोर्थ शेल में इलेक्ट्रॉन्स फ़िल होने शुरू हो गए हैं फोर एस में गए फोर पी में गए ठीक है फिर हमने कहा कि फ़ाइव एस में जाएंगे फोर डी के बजाय फिर फोर डी में गए लेकिन फोर एफ़ भी तो है ना वहाँ पर चाहे उसमें इलेक्ट्रॉन है या नहीं है और उनकी जो शील्डिंग है वो काफ़ी फोर एफ़ इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग काफ़ी कम है ओके और दूसरी चीज़ है आपने सिंपल यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि जैसे जैसे हम थ्री डी से फोर डी से फो फिर फाइव डी की तरफ जाते हैं तो जो मेटल मेटल बॉन्डिंग है वो काफ़ी स्ट्रोंग हो जाती है जिसके कारण कि इनके एंथालपी ऑफ एटमाइजेशन की बात करें हम चाहे हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें दोनों ही इंक्रीज हो जाते हैं ओके ये है यहाँ पर हमारा हमने क्या किया यहाँ पर हमने किया मेल्टिंग एंड बोलिंग पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे इनका साइज़ के बारे में करेंगे हमने ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कर ली इसकी अब हम एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कुछ तो एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ में हम देखते हैं एटॉमिक एंड आयनिक साइज दोनों के दोनों का दोनों का हम साथ ही पढ़ेंगे एटॉमिक एंड आयनिक साइज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स तो स्पेशली हम यहाँ पर थ्री डी सीरीज़ की ही बात करेंगे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि हम जो मेन एम्फेसिस है वो थ्री डी सीरीज़ के एलिमेंट्स पर ही देंगे तो यहाँ आपने देखना है कि जो एटॉमिक साइज़ है एटॉमिक साइज़ थ्री डी सीरीज़ की अगर मैं बात करूँ स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैंगनीस आयरन कोबाल्ट, निकल कोपर एंड जिंक ठीक है ये है हमारी थ्री डी सीरीज़ इसमें हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम मूव करते हैं हमें पता ही है कि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम ट्वेंटी वन टू थर्टी देयर इज़ इंक्रीज़ इन एटोमिक नंबर लेकिन जो साइज़ है वो डिक्रीज होगा चाहे वो आयनिक साइज़ हो पहले मैं आपको एटॉमिक साइज़ की बताती हूँ एटॉमिक साइज़ जो है वो डिक्रीज़ होगा उसका रीज़न क्या है उसका रीज़न है कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन या एक्स्ट्रा भी मैं ऐसे नहीं कहूँगी मैं ऐसे कहूँगी कि न्यू इलेक्ट्रॉन जो नया इलेक्ट्रॉन आएगा एट ईच न्यू एलिमेंट जैसे जैसे हम आगे मूव करते हैं अ न्यू इलेक्ट्रॉन इज एडिड टू डी ऑरबिटल जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं थ्री डी सीरीज में हर नए एलिमेंट के साथ साथ एक नया इलेक्ट्रॉन जो है वो डी ऑर्बिटल में जा रहा है ठीक है ए न्यू इलेक्ट्रॉन इज एडिड टू डी ऑर्बिटल ऑल्सो न्यूक्लियर चार्ज प्रोटोन का नंबर भी तो इंक्रीज हो रहा है ना वन बाय वन इसका नाम न्यूक्लियर चार्ज इज ऑल्सो इंक्रीजिंग ऑल्सो इंक्रीजिंग ईच टाइम बाय वन एक करके न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज हो रहा है ठीक है बट ड्यू टू ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ ये आ, कुछ इम्पोर्टेंट जो यहाँ पर पॉइंट्स होते हैं वो ही मैं आपको नोट कराती हूँ आप इसको साथ साथ नोट कर लेना ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसिस मोर न्यूक्लियर पुल मोर न्यूक् मोर या स्ट्रोंग न्यूक्लियर पुल दस साइज डिक्रीजिस इसलिए साइज क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा आप इसको थोड़ा सा अगर मॉडिफाई करना चाहें अपनी लैंग्वेज में अपने सेंटेंस इस सेंटेंस को थोड़ा मॉडिफाई करना चाहें अपने अकॉर्डिंग तो आप कर सकते हो तो मैंने आपको ये मेन इसके अंदर जो है समझाने के लिए ये बताया कि जैसे जैसे एक नया इलेक्ट्रॉन ऐड होता है डी ऑर्बिटल में वैसे वैसे न्यूक्लियर चार्ज भी इनक्रीज होता है वन बाय वन लेकिन क्योंकि डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है और अंदर के जो डी ऑर्बिटल्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो शील्डिंग भी करेंगे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियर चार्ज से लेकिन उनकी शील्डिंग काफ़ी पुअर है जिसके कारण आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियर पुल काफ़ी ज़्यादा लगता है इसलिए साइज़ डिक्रीज हो जाता है ये मैंने आपको बताया एटोमिक साइज़ के बारे में ठीक है अब मैं आपको आयनिक साइज की बात कर रही हूँ तो शायद मैंने पहले भी आपको कभी बताया है किसी वीडियो में कि जब हम आइनिक साइज़ की बात करते हैं कि एलिमेंट्स के आइनिक साइज़ को कंपेयर करते हैं तो हमें उनके आयंस जो हैं वो सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में होने चाहिए सेम ऑक्सीडेशन स्टेट और सेम चार्ज कुछ भी कह सकते हो आप तो अगर मैं कंपेयर कर रही हूं स्कैंडियम का आयनिक साइज और टाइटेनियम का आयनिक साइज तो मुझे दोनों का टू पॉजिटिव ही कंपेयर करना होगा ऐसा नहीं है कि मैं स्कैंडियम तो ले रही हूँ वन पॉज़िटिव और टाइटेनियम ले रही हूँ टू पॉजिटिव तो अगर मैं उस केस में इन दोनों के आयनिक साइज़ को कंपेयर करती हूँ तो मैं गलत कर रही हूँ इसलिए जब आप आयनिक साइज़ अगर आप दो बच्चों की आईक्यू को टेस्ट करना चाहते हो उनका कोई टेस्ट लेना चाहते हो तो अच्छा यही होगा कि वो दोनों सेम स्टैंडर्ड से बिलोंग करते हो मींस वो दोनों सेम क्लास से बिलोंग करते हो या तो दोनों टेंथ के हों एलेवंथ के हों या ट्वेल्थ के हों तो आप उनको अच्छे से जज कर पाओगे तो हम वहाँ पर एज फैक्टर को भी छोड़ सकते हैं क्योंकि दोनों सेम स्टैंडर्ड में हैं कुछ ना कुछ तो उनके अंदर सिमिलैरिटी होनी चाहिए तो यहाँ पर जब हम आइनिक साइज़ की बात कर रहे हैं ठीक है अब जैसे अगर आयनिक साइज की बात करें हैं तो आयन जो है वो सेम टाइप के होने चाहिए टू पॉजिटिव या वन पॉजिटिव दोनों ही या तीनों ही या सभी ठीक है तो इसलिए जब आप किसी बच्चे का कोई टेस्ट लेते हैं पर्टिकुलर क्लास का आप टेंथ क्लास का साइंस का पेपर दे देते हैं दो बच्चों को और एक जो बच्चा है वो नाइन्थ क्लास का है तो आप गलत कर रहे हैं आपका जो क्राइटेरिया है उनको जज करने का वो बिल्कुल भी सही नहीं है तो इसलिए आप टेस्ट तभी ले सकते हैं जब दोनों सेम क्लास से बिलोंग करते हो तो बिल्कुल यही चीज़ है कि अगर आपको आयनिक साइज कंपेयर करना है ट्रांजिशन मेटल्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स का या फिर किसी दूसरे एलिमेंट्स का भी तो अच्छा यही रहेगा कि आप सेम ऑक्सीडेशन स्टेट या सेम चार्ज के आयंस लें और उनका आयनिक साइज कंपेयर करें और उनके केस के लिए भी उनके लिए भी बिल्कुल सेम जो मैंने यहाँ पर आपको रीज़न दिया है सेम रीज़न यहाँ भी अप्लाई होता है इसलिए जब हम आयनिक साइज लेते हैं आयंस लेते हैं हम सेम चार्ज के किसी एक ट्रांजिशन सीरीज में तो जैसे जैसे हम एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होता है वैसे वैसे आयनिक साइज़ उनका डिक्रीज़ होता चला जाता है ओके तो आपने सेम रखना है यहाँ पर बिल्कुल सेम दोनों का रीज़न है आयनिक साइज़ भी डिक्रीज होगा किसी एक सीरीज में और एटॉमिक साइज़ भी डिक्रीज होगा ठीक है इसके बाद जो ये भी आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो डिक्रीज़ है ना एक सीरीज़ में जैसे मैं कह रही हूँ थ्री डी सीरीज थ्री डी सीरीज़ में एटॉमिक साइज़ या आइनिक साइज आप कुछ भी ले सकते हैं हम कह रहे हैं कि दैट डिक्रीज बट दिस डिक्रीज़ इज़ वेरी स्मॉल ये डिक्रीज़ जो है या कम है स्मॉल uh, है या लिटल है दिस डिक्रीज इज़ वेरी लिटल और स्मॉल और उसका रीज़न क्या है उसका रीज़न ये है कि uh, उसका रीज़न भी यहाँ पर uh, वही है कि जो uh, बीच में जो डी uh, इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं यहाँ पर या डी ऑर्बिटल्स हैं उनकी पुअर शील्डिंग है उसके कारण पुअर शील्डिंग के कारण चाहे न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज़ हो रहा है वन बाय वन करके ठीक है न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज़ हो रहा है वन बाय वन करके आ, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम ऑर्बिटल में जा रहे हैं ठीक है थ्री डी ऑर्बिटल में ही जा रहे हैं और न्यूक्लियर चार्ज लेकिन इंक्रीज होता जा रहा है इसीलिए जो पुल है आउटर मोस्ट शेल पर या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पर सॉरी वो ज़्यादा होता चला जाएगा जिसके कारण साइज़ जो डिक्रीज़ हो रहा है साइज़ में वो डिक्रीज उतना ज़्यादा नहीं होगा मतलब कम्पे अगर हम कंपैरिजन करें तो सबके एटॉमिक साइज़ हमें बहुत कम डिफरेंस नज़र आएगा उनके एटॉमिक साइज़ में जो हम अगर जैसे मैं आपको थ्री डी सीरीज़ के एटॉमिक साइज़ जो हैं अगर मैं उसकी बात करूं ठीक है मेटेलिक साइज़ की बात करूँ उनके तो जो स्कैंडियम है स्कैंडियम का एटोमिक साइज़ है वन सिक्सटी फोर पिकोमीटर फिर मैं ले रही हूँ टाइटेनियम का वन फोर्टी सेवन ठीक है और वेनेडियम का है वन थर्टी फाइव इसके बाद वेनेडियम स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम वन नाइन तो ये जो है साइज़ जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है बट उतना ज़्यादा डिक्रीज़ नहीं है इनके साइज़ में अगर हम कंपैरिजन करें तो डिक्रीज़ इज़ नोट सो मच काफ़ी कम है वेरिएशन जो है वो यहाँ पर काफ़ी कम है ठीक है ये तो हो गया हमने एक ही सीरीज़ की जब बात करी अब मैं बात करती हूँ नेक्स्ट सीरीज के साथ कंपेयर क्योंकि जब हमने एस ब्लॉक हमने पी ब्लॉक एलिमेंट्स किए तो हम क्या करते थे हम कैसे स्टडी कर रहे थे उनको हम स्टडी कर रहे थे ग्रुप वाइज तो जैसे अगर हमने फिफ्टीनथ ग्रुप के एलिमेंट्स की बात करी पी ब्लॉक एलिमेंट्स है ठीक है फिफ्टीनथ ग्रुप में पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं तो हमने साइज़ किसके कम कंपेयर किए फिफ्टीन्थ ग्रुप में आने वाले एलिमेंट्स के कंपेयर किए लेकिन यहाँ पर हम जो अपनी स्टडी कर रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स में वो हम ग्रुप में ना करके हम सीरीज में कर रहे हैं हम देख रहे हैं कि सीरीज़ में कैसे साइज़ जो है वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है डी ब्लॉक एलिमेंट्स का तो वो तो हमने देख लिया लेकिन हम इस तरह से जैसे हमने पी ब्लॉक एलिमेंट्स का पढ़ा था वैसे अब हम इस यहाँ पर भी देखेंगे ठीक है हम ग्रुप वाइज भी देखेंगे थ्री डी फिर फोर डी और फिर फाइव डी तो साइज क्या होना चाहिए जब आप ऊपर से नीचे जाएंगे टॉप टू बॉटम जाएंगे थ्री डी से फोर डी के एलिमेंट की तरफ फिर फोर डी से फाइव डी की तरफ तो क्या होना चाहिए साइज इंक्रीज होना चाहिए बिल्कुल साइज इंक्रीज होता भी है साइज इंक्रीजेज एज वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम किसी भी ग्रुप में थ्री टू ट्वेल्थ थ्री थर्ड टू ट्वेल्थ जो ग्रुप हैं पीरियोडिक टेबल के उसमें डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ठीक है थीके? तो किसी भी ग्रुप में अगर हम टॉप टू बॉटम जाते हैं फ्रॉम थ्री डी टू फाइव डी सीरीज साइज इंक्रीजेस सेम ग्रुप से बिलोंग होने वाला जो फोर डी का एलिमेंट होगा उसका साइज उसी के ही थ्री डी उसी ग्रुप के थ्री डी एलिमेंट से ज़्यादा होगा लेकिन अगर हम कंपेयर करें फाइव डी और फोर डी को तो साइज अप्रोक्सीमेटली दोनों का आपको सेम लगेगा इन दोनों का साइज अप्रोक्सीमेटली सेम है और यहां पर रीजन जो मैंने आपको बताया था आपने बहुत ही ध्यान से कंपैरिज़न करना है वो इस पॉइंट को बहुत क्लियर लेकर चलना है कि जब हम थ्री डी सीरीज की बात करते हैं तो वहां पर इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन डी ऑर्बिटल्स है ना और फोर डी में भी और फाइव डी में भी ये तो सेम है सब में लेकिन थ्री डी में नो फोर एफ ओरबिटल यहाँ पर फोर एफ़ है ही नहीं यहाँ पर जो है फोर एफ है बट एम टी उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है ना ही जाएगा यहाँ पर फोर एफ इलेक्ट्रॉन्स आर ऑल्सो देयर एफ में भी इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं इसलिए आप देखोगे कि जो थ्री डी से फोर डी जाते हुए हम डिफरेंस देख रहे हैं ना वो डिफरेंस हमें फोर डी से फाइव डी में जाते हुए दिखाई नहीं दे रहा फोर डी से फाइव डी में जाते हुए डिफरेंस काफी कम हो गया है जब आप फोर डी से फाइव डी की तरफ मूव करोगे जो इंक्रीज है इंक्रीज इज क्लियर ठीक है साइज़ इंक्रीज इज़ क्लियर क्लियर आपको दिखाई देगा बट फोर डी से फाइव डी में जाते हुए इंक्रीज इन साइज इज वेरी स्मॉल आपको लगभग अगर आप ग्राफ देखोगे तो आपको ग्राफ जो है वो अप्रोक्सीमेटली एक ही लाइन सी दिखाई देगी बहुत ही कम गैप है उसमें और उसका रीज़न क्या है इंटरवेंशन ऑफ फोर एफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें फाइव डी में एंड पुअर शील्डिंग शील्डिंग बहुत पुअर है इनकी जिसके कारण ड्यू टू विच द ड्यू टू विच दो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या हम कहेंगी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं कहेंगे हम नंबर ऑफ शेल्स हैव इंक्रीज बट इन्क्रीज न्यूक्लियर चार्ज Do not let the size increase too much. क्या मतलब है इसका कि फोर एफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए जिनकी शील्डिंग काफी कम है पुअर शील्डिंग इफेक्ट है जिसके कारण चाहे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो गए फोर डी से फाइव डी में जाते हुए एक शेल इंक्रीज हो जाएगी बट इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज जो है वो साइज़ को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होने देता है और जिससे फोर डी और फाइव डी के जो एलिमेंट्स हैं सेम ग्रुप से बिलोंग करने वाले उनका साइज़ में अगर हम कंपैरिजन करें तो बहुत कम डिफरेंस है उनके साइज़ में जितना डिफरेंस थ्री डी और फोर डी के एलिमेंट्स में है उससे बहुत कम डिफरेंस फोर डी और फाइव डी के एलिमेंट्स में आपको मिलेगा तो ये आपने ध्यान रखना है और ये जो एक स्पेशल टर्म है जिसको हम कहते हैं जो कि फाइव डी सीरीज में हमें देखने को मिलेगी और वो क्या है टर्म वो है लेंथेनोइड कॉन्ट्रेक्शन लेंथेनोइड कॉन्ट्रेक्शन